नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आंगनबाड़ी केंद्रों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़करण के संबंध में कन्वेंजर्स विभागों के साथ मंडलीय गोष्ठी का आयोजन मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ परीक्षित कटाना, मुख्य विकास अधिकारी मऊ प्रशांत नागर एवं मुख्य विकास अधिकारी बलिया ओजस्वी राज द्वारा संयुक्त रूप से हरियोत कला केंद्र आजमगढ़ में आयोजित किया गया, जिसका कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी मऊ द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र से 3 से 6 वर्ष के बीच बच्चों की शाला पूर्व शिक्षा पर विस्तार से जानकारी दी गई। अपर निदेशक विशेष शिक्षा मनोज सिंह ने बाल वाटिका व शाला पूर्व शिक्षा पर विशेष जोर दिया। जिला पंचायत राजाधिकारी आजमगढ़ श्रीकांत दर्वे ने आंगनबाड़ी केंद्र के पेयजल व शौचालय तथा हॉट कुक्ड मील योजना के संचालन के संबंध में जानकारी दी गई। जिला कार्यक्रम अधिकारी आजमगढ़ हेमंत सिंह बलिया के एम पांडे व मऊ अजीत सिंह ने विभागीय योजनाओं का पीपीटी के माध्यम से विस्तारपूर्वक विवरण प्रस्तुत किया। किशोरी के भगाने के आरोपी को मुबारकपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 28 जनवरी 2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादे की लड़की को अभियुक्त दीपक चौहान पुत्र रामोद चौहान निवासी ग्राम भूसुमा थाना रानीपुर जनपद मऊ द्वारा बहला फुसला कर भगा लिया गया, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और विवेचना प्रारंभ की गई थी। गिरफ्तारी में आज 2 फरवरी 2024 को उप निरीक्षक तुलसी प्रसाद ने पुलिस द्वारा हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त संबंध अभियुक्त दीपक चौहान को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सगड़ी तहसील क्षेत्र के जैनपुर कस्बा में स्थित सोनोग्राफी सेंटर पर जिलाधिकारी के आदेश पर रजिस्ट्रेशन सिमो व उप जिलाधिकारी की संयुक्त टीम ने छापेमारी किया, सीज किया और हल्का महज किया। डॉक्टर की अनुपस्थिति में सोनोग्राफी सेंटर सीज हुआ। अन्य सेंटर के संचालक ताला बंद कर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को उप जिलाधिकारी सगड़ी डॉक्टर अतुल कुमार गुप्ता और एडिशनल सीएमओ उमाशरण पांडे ने शुक्रवार को 1:30 बजे जिलाधिकारी के आदेश पर जैनपुर कस्बा में आजमगढ़ रोड पर स्थित श्रीकृष्णा सोनोग्राफी सेंटर पर छापा मारा। इस दौरान सेंटर में अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी की मशीन के साथ सोनोग्राफी सेंटर पर ताला बंद कर सीज कराया गया। छापेमारी के दौरान रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर विदेवत्र सिंह मौके पर नहीं थे। वहीं मौजूद मरीजों ने बताया कि डॉक्टर के शाला की दुर्घटना में मौत हो गई, जिसमें डॉक्टर चले गए। वही डॉक्टर का इंतजार करते कई मरीज मौजूद रहे। वही छापेमारी के दौरान स्टाफ फरार हो गया, एक महिला कर्मचारी मौजूद रही। एसडीएम और एडिशनल सीएमओ की छापेमारी की सूचना मिलती है जैनपुर वादपुर कस्बा में स्थित पैथोलॉजी संचालकों में हड़कंप मच गया। नीचे कर पर ऐसी सूचना थी कि इस अल्ट्रासाउंड सेंटर पर बिना डॉक्टर की उपस्थिति के जो है अवैध रूप से जो है अल्ट्रासाउंड जांच की जा रही थी। इसके क्रम में जो है श्रीमान माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस कृष्णा अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील करने का जो है एक आदेश पारित किया गया था। उसी क्रम में जो है आज इस अल्ट्रासाउंड मशीन की सीलिंग की कार्रवाई अपर सीएमओ साहब एसएचओ साहब मेरी उपस्थिति में इसको सील किया गया है। सर, इस पैथोलॉजी में पूर्व की कार्रवाइयों के संबंध में जो है उसकी विधिवत जांच हुई होगी, उसके बाद उन्होंने अपने जो कमियां होंगी उसको पूर्ण किया होगा। अभी जो ये आदेश है ये जिलाधिकारी महोदय के आदेश से इसको सील किया गया है। तो खबर आजमगढ़ से है, जहाँ एसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर थाना कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली। आपको बता दें कि थाना कोतवाली पुलिस द्वारा किशोरी को अगवा करने के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें तो वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी की बहन को अभियुक्त नागेंद्र पुत्र लालचंद शाकिन बलुआ निवादा मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा भला फुसला कर भगा ले गया था, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा संख्या 57/24 धारा 363/366 वादी पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। वहीं गिरफ्तारी के विवरण में आपको बता दें तो निरीक्षक रामकिशोर शर्मा महमराय द्वारा मुकदमा उपरोक्त संबंधित अभियुक्त नागेंद्र पुत्र लालचंद निवासी बलुआ निवादा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को बाग लखराम पुलिया से गिरफ्तार कर चलान कर मानी नाले भेज दिया गया। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी लोगों को न्याय मिलने की में अधिकारी रोड़ा बने हुए हैं। ऐसा ही मामला बुढ़नपुर तहसील के लहरपुर गांव में देखने को मिला, जहां तहसील प्रशासन की जानकारी में लालचंद्र मौर्य पोखरी की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जो वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का सख्त आदेश है कि किसी भी पोखरी या बंजर भूमि पर अवैध निर्माण न होने पाए। पूर्व में भी सरकार के निर्देश पर अवैध भूमि पर अवैध निर्माण खाली करवाए गए थे, लेकिन अभी भी ये अवैध निर्माण पोखरी और बंजर भूमि पर जारी हैं। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है और एक मांग किया है कि ग्राम लहर पार की काटा संख्या 628 पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को रोका जाए। Thank you.
पिछले महीने हुए आजमगढ़ खेल महोत्सव के दौरान बच्चों में खेल के प्रति जागरूकता और प्रतिस्पर्धा भावना के बढ़ने को लेकर प्रशासन के मुखिया डीएम प्रजाल भारद्वाज और एडीएम वित्त राजस्व आजाद भगत सिंह को शुक्रवार को सम्मान किया गया। वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधक संगठन की तरफ से डीएम को मोमेंटो और शाल भेंट कर धन्यवाद दिया गया और भविष्य में भी इस तरह के खेल हमेशा होते रहें इसका आग्रह किया गया। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि बच्चे खेलते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है और जो कार्य करते हैं उसमें उनके निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है जिससे उनका जीवन उज्ज्वल बनता है। पदाधिकारी रमाकांत वर्मा ने कहा कि जिस प्रकार से प्रशासन के द्वारा आजमगढ़ खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है उससे बच्चों में खेल के प्रति एक्टिविटी बढ़ी है, विद्यालयों को भी प्रेरणा मिली है। बच्चों में मोबाइल एक्टिविटी को कम करने के लिए और खेल के माध्यम से अपने शारीरिक और मानसिक विकास को लेकर जागरूकता बढ़ी है। इस दौरान एडीएम वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह ने कहा कि जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में आजमगढ़ खेल महोत्सव का पूरे जनपद भर में सफल आयोजन हुआ है। धन्यवाद देने वालों में संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यादव, रमाकांत वर्मा, नितिन गौड़, आयुष रमाकांत यादव, सीताराम पांडेय, देवनाथ यादव, चंद्रशेखर प्रजापति, शिव गोविंद सिंह, संजय पाठक, नवाज खान, वरुण प्रजापति, अवनीश राय समेत अन्य प्रबंधक उपस्थित थे। सुनते हैं रमाकांत वर्मा और एडीएम वित्त एवं राजस्व ने क्या जानकारी दी। अपना परिचय बता दें। मैं रमाकांत वर्मा, विद्यालय विद्यालय प्रबंधक। अच्छा, मोमेंटो देखो डीएम साहब दिया गया आपको, प्रशासन द्वारा जो है जनपद स्तरीय खेल प्रतियोगिता आजमगढ़ महोत्सव के अंतर्गत जो कराई गई यह बड़ा ही सराहनीय कार्य है और आजमगढ़ में पहली बार ये प्रतियोगिता हुई तो हम विद्यालय वाले बहुत ही प्रतियोगिता से खुश हैं। बच्चों में एक नई एक्टिविटी आई, विद्यालयों में भी एक प्रेरणा आई, जो खेल लगभग धीरे धीरे समाप्त हो गए थे प्रतियोगिताओं से, तो विद्यालयों को भी एक प्रेरणा मिली कि हम अपने बच्चों को खेल की तरफ अधिक से अधिक अग्रसर करें। निश्चित रूप से ये बच्चे खेले बहुत उत्सुक हैं और यदि बच्चे खेलेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो उनका पढ़ाई में भी मन लगेगा और जो मोबाइल एक्टिविटी में आज लगे हुए बच्चे हैं तो उस मोबाइल एक्टिविटी को छोड़ करके वो खेल एक्टिविटी में लगेंगे तो उनका मस्तिष्क भी सही होगा, शरीर भी सही होगा और पढ़ाई में मन लगेगा। इसी लिए हम लोग सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रशासन को कि ये जो खेल महोत्सव हुआ और ये हर वर्ष ऐसा खेल महोत्सव होना चाहिए जिससे लोगों में प्रेरणा बनी रहे। ठीक है, देखिए खेल महोत्सव आजमगढ़ में माननीय जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देशन में संपादित हुआ है जिसमें शहर के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इनको जनपद पूरे जनपद में खेल महोत्सव हुआ है, विभिन्न विद्यालयों में हुआ था और बहुत सफल खेल आयोजन रहा। उसके क्रम में आज प्रबंधकों ने माननीय जिलाधिकारी महोदय को धन्यवाद स्वरूप भेंट की। आजमगढ़ की एम्बुलेंस 108 और 102 सेवा के कर्मचारी संगठन ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंपकर अपनी एम्बुलेंस कंपनी के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार व शोषण का आरोप लगाया और मामले में कार्रवाई की मांग की। एम्बुलेंस कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी अभिषेक कुमार मिश्रा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से संचालित हो रही एम्बुलेंस 108 और 102 सेवा में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसमें कार्यरत कर्मचारियों पर दबाव डालकर उनका शोषण किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी केस बनवाकर करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया जा रहा है। इसके लिए फर्जी आधार, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर को लेकर कंपनी अपने कर्मचारियों पर दबाव डाल रही है। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस कंपनी EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विस के आजमगढ़ के अलावा सभी जनपदों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगानी चाहिए लेकिन अधिकारी पता नहीं कौन सी मजबूरी के चलते इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। इस संबंध में वह डीएम को ज्ञापन सौंपे हैं। वही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक से मामले में कार्रवाई करने की मांग की गई है। सुनते हैं अभिषेक कुमार मिश्रा ने क्या जानकारी दी। क्या नाम है जी? मेरा नाम अभिषेक कुमार मिश्रा। क्या किस पे कार्य था जी? आए थे आज जनपद आजमगढ़ में, जिस प्रकार से कार्यक्रम था हम लोग का, ज्ञापन कार्यक्रम था माननीय जिलाधिकारी जी के पास। आज संदर्भ में ये बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जो एम्बुलेंस सेवा है वो जनपद आजमगढ़ में भी और तमाम पूरे 75 जनपद में ही व्यापक भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जिस पे संदर्भित हम लोग माननीय जिलाधिकारी जी को यह संदर्भित करके ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं कि इस पर पहला नंबर तो है कि इस पर त्वरित कार्रवाई हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो इस समय सेवा प्रदाता कंपनी है एम्बुलेंस की, EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विस, जिसका पहला पुराना नाम था GVK EMRI, आज वह कर्मचारियों का लगातार जमीनी स्तर पर शोषण कर रही है। गाड़ियां डीजल के अभाव में खड़ी हो जा रही हैं, कर्मचारी अपने पास से पैसा डाल के डीजल भरवा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि आज फर्जी केस का मामला इतना बृहद स्तर पर चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में कि फर्जी मोहर बना के कर्मचारियों पर दबाव डाला जा रहा है कि आप फर्जी मोहर और फर्जी हस्ताक्षर बनाकर फर्जी आधार कार्ड और मोबाइल नंबर डालकर किसी का भी आईडी ले लीजिए।
और उससे ये सरकार, यह कंपनी सरकार से पैसा ले लेती है, भुगतान करवा लेती है। मैं चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं गुहार लगाता हूँ कि कृपया करके कार्रवाई करिए और इस कंपनी को, इस जो शोषण भरी 108-102 व्यवस्था है, इसको पहला नंबर इस शोषण से मुक्त करवाइए तो उत्तर प्रदेश में और बेहतर एम्बुलेंस सेवा संचालित होगी और इसका कायाकल्प होगा। आज डीएम साहब से मिले आप लोग? जी, डीएम साहब को आज ज्ञापन हम लोगों ने दिया है। डीएम साहब ने भी पूरा भरोसा जताया है कि इस पर जो है त्वरित कार्रवाई करी जाएगी। माननीय ब्रजेश पाठक जी ने 2022 में भी जांच भी लगाई थी कंपनी पर, तब भी उत्तर प्रदेश में तमाम करोड़ों का घोटाला निकल कर सामने आया, फिर भी अधिकारी लोग इस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं हुए। आखिर क्या मिली भगत है, क्या फायदा हो रहा है, हम तो खुद नहीं समझ पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस पर संज्ञान लें। महाराजगंज पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता तब लगी जब शातिर अपराधी संजय यादव पुत्र राम शब्द यादव निवासी देवारा तुर्कचारा थाना महाराजगंज, जो कि असलाह तस्करी में वांछित था और पुलिस पूरी संजीदगी से उसे तलाश कर रही थी, शुक्रवार को उसे कटान बाजार से गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि विगत दिनों प्रभारी निरीक्षक महाराजगंज कृष्ण कुमार गुप्ता व स्वाट टीम द्वारा अवैध शस्त्र बनाने में शामिल चार अभियुक्तों को 11 देसी निर्मित अर्धनिर्मित तमंचा, जिंदा कारतूस व असलाह बनाने के उपकरण के साथ ग्राम इब्राहिमपुर में घाघरा नदी की अर्धनिर्मित पुलिया से गिरफ्तार किया गया था, जबकि मौके से चार अभियुक्त फरार हो गए थे। परंतु तत्परता दिखाते हुए जहां थाना प्रभारी महाराजगंज महमरा पुलिस ने मुठभेड़ में एक अभियुक्त प्रवीण कुमार पांडे उर्फ मन्नू पांडे और राजीव कुमार गौतम उर्फ राजू को ऑटोमेटिक कार्बाइन व खोखा कारतूस, पिस्टल, जिंदा चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। शेष फरार अपराधियों की तलाश तेजी कर दी है। तो वही गुरुवार को ही थाना प्रभारी अहिरोला अपने पुलिस बल के साथ मुठभेड़ में अभियुक्त अभिषेक यादव को तमंचा, कारतूस व जिंदा कारतूस साथ गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस के अनुसार प्रवीण कुमार पांडे उर्फ मन्नू पांडे व अभिषेक यादव ने बताया कि थाना महाराजगंज क्षेत्र अंतर्गत निवासी देवारा तुर्कचारा से की सीताराम यादव एवं संजय यादव द्वारा उन्हें पूर्व में कार्बाइन में पिस्टल रखने के लिए दिया गया था तथा इनके द्वारा भी असलाह खरीद फरोख्त किया जाता है। वर्तमान में अभियुक्त सीताराम यादव गोरखपुर जेल में निरुद्ध है तथा अभियुक्त संजय यादव फरार चल रहा है, जिसके आधार पर महाराजगंज पुलिस ने अभियुक्त संजय यादव को तेजी से दिखाते हुए पुलिस हिरासत में ले लिया तथा विधिक कार्रवाई कर चालान किया है।